हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये पैकेट देख रहे होंगे, इसमें फिर जो है पौधे मेरे पास आए हैं और ये पौधे भी जो है कोलकाता से ही आए हुए हैं, लेकिन इस बार जो है एक नई नर्सरी है जिसका नाम है IN नर्सरी। तो IN नर्सरी ने इसमें पौधे भेजे और इस समय जो पैकिंग आप देख रहे हैं ये जो है पूरी तरह से जो गत्ते की पाइप होती है उसी के अंदर यहाँ पर है। इससे पहले जितने भी पैकिंग आपने देखा था लगातार 5-6 वीडियो में, उसमें सबके सब मोस्टली जो है जो PVC पाइप होता है प्लास्टिक की, तो उसमें पैकिंग किया हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल PVC पाइप की तरह है, बट ये जो है गत्ते का बना हुआ है और इसमें जो है नीचे से इस तरह से जो है पौधे यहाँ से रखे हुए हैं, अंदर पूरी तरह से पौधा खुला हुआ है और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से जो है खुला हुआ है, यहाँ पर हवा जाने के लिए रास्ता भी है। तो चलिए इस पैक की जो है ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो पौधे हैं वो किस हालत में है। तो फटाफट से एक ब्लेड लेकर के हम इसको खोल देंगे। यहाँ पर इसको जो है लगभग 5 दिन पहले भेजा गया था और आज जो है मेरे पास ये पहुंचा है। तो आज है 1 फरवरी का दिन, तो इसको खोलते हैं फटाफट से, किस तरीके से हमें भेजा गया इसको देखते हैं और किस तरीके से ये पौधे हैं वो भी हम देख लेंगे। देखिए इस तरीके से ये नीचे से गत्ता अलग से लगा हुआ है। इसको हम हटा देते हैं और आगे से अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहां से एक टेप इस तरीके से बीच में लगा हुआ है, लेकिन इधर से भी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा होल और इधर से भी जो है थोड़ा सा सुराख दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि पूरी तरह से जो हवा है इसके अंदर आ जा सके। यहां से भी मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। देखिये ये इस तरीके से पौधा जो है नजर भी आ रहा होगा आपको। तो ये बेर के पौधे हैं। देखिए यहां से भी किस तरह से इन्होंने टेप की पैकिंग की हुई है, इस तरीके से करने के बाद उन्होंने गत्ता लगाया था। तो इसको भी खोलते हैं। दोस्तों इस समय मौसम काफी अच्छा है, फरवरी का जो मौसम होता है इस समय ठंड जो है धीरे धीरे जा रही होती है और गर्मियां आना धीरे धीरे शुरू होता है, तो ऐसे समय में जो फ्रूट प्लांट है वो बहुत ही अच्छे चलते हैं और अच्छे से पहुंचते भी हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो उस समय अगर पैकेट के अंदर ज्यादा टाइम तक रहता है तो भी जो पत्ते हैं वो काफी ज्यादा मुरझा जाते हैं। और इस समय जो मौसम है ठंडक भी बनी हुई है और गर्मी भी जो है धीरे धीरे आ रही है, तो इस समय पौधे बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। तो फर्स्ट टाइम इस नर्सरी का जो पैकेट है मेरे पास पहुंच रहा है और यहाँ भी जो है उनको मैंने वही बात कही थी कि जो भी पौधे हैं उसका पेमेंट डायरेक्ट जो है आपके पास नहीं पहुंचेगा, जो कस्टमर है या आप लोग जो है उस पेमेंट को आपको मुझे करना है, केवल ऑर्डर जो है इस नर्सरी को आपको देना है, कितने इंच का पौधा है और कौन सी वैरायटी है, कितने दिन में पहुंचेगा, ये सारी इंक्वायरी जो है आप नर्सरी वालों से ही कीजिएगा और जो पैसे देने की बारी होती है तब आपको नर्सरी वालों को पे करने की जरूरत नहीं है, वो जो है आप मुझे UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। तो टेप को भी साथ साथ हम खोल लेते हैं। दोस्तों जितने पौधे आपके पास सही तरीके से पहुंचेंगे केवल उन्हीं पौधों का पेमेंट ही मैं नर्सरी वालों को करूंगा, और अगर कोई पौधा आपके पास टूटी हुई हालत में पहुंचता है तो उसके पैसे जो है आपको मैं वापस करूंगा। तो यही रीजन था कि नर्सरी वालों को जो है डायरेक्ट पेमेंट मैं जो है देने से मैंने मना कर दिया। कई बार जो है नर्सरी वाले फोन नहीं उठाते आपसे जब पैसा रिसीव हो जाता है, तो ये उपाय जो है सही लगा कि पैसे मैं अपने पास रखूंगा ताकि पैसे की पूरी सेफ्टी रहे। देखिए ये जो है मैंने खोल दिया है और 5 दिन के बाद पौधा देखिए बिल्कुल तरोताजा हालत में है, पत्ते बिल्कुल सही है, देखिए पत्ते कहीं भी खराब नहीं हुए हैं, दोनों ही बेर के पौधे हैं और 2 वैरायटी के इसमें बेर हैं, एक जो है भारत सुंदरी या मिस इंडिया जिसको कहते हैं वो बेर है और दूसरा जो है वॉल सुंदरी बेर है।
तो मिस इंडिया और बाल सुंदरी दो बेर के पौधे भेजे हैं। अभी तो इसमें फ्रूट नहीं है क्योंकि छोटी है ग्राफ्टिंग, और लगभग लगभग जो है पौधा 1.5 से 2 फुट के बीच में होगा। लेकिन इस टाइप के पौधे अच्छे होते हैं, पौधा बिल्कुल तरोताजा भी है। बहुत ज्यादा बड़े होते हैं कई बार तो फिर दिक्कत भी उसमें होती है, क्योंकि आप सही तरीके से उसमें शेप नहीं देख सकते और फिर जो कोरियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो देखिए दोनों पौधे बिल्कुल जो है सेफ तरीके से हैं। और ग्राफ्टिंग पोर्शन में अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है यहाँ से, तो इस ग्राफ्टिंग पोर्शन को भी आपको अभी नहीं हटाना है, अभी जो है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अगर इस साइज के पौधे आपके पास है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा हाइट इसकी, तो लगभग जो है ये 2 फुट ये वाला पहुंच गया होगा, और ये वाला जो है 2 फीट से हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो, तो 2 सवा 2 फुट के ही होंगे ये। तो इस तरीके के प्लांट को जब आपको लगाना है तो एकदम से बड़े पॉट में नहीं लगाना है, इसको आप 6 इंच के पॉट में जो है लगा सकते हैं शुरू में, और जब 5-6 महीने बीत जाए तो उसके बाद आप इसको फिर 8 इंच के पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप छोटे पॉट से जो है इसको लगाना शुरू करते हैं तो आपके पौधे कभी भी नहीं मरते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी उसमें होती है। तो देखिए इसमें जो है ये पूरी तरह से पॉलीथीन से यहाँ से पैक है ताकि इसकी मिट्टी बिल्कुल ना टूटे। थोड़ा सा इसको खोल करके भी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से, देखिए टेप में हटा दे रहा हूँ, और मिट्टी बिल्कुल सही तरीके से है, कहीं से भी मिट्टी नहीं टूटी है। यहां से दिखाता हूं मैं आपको, देखिए आप इस पौधे की जड़ को देख सकते हैं काफी हार्ड है, यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल नहीं टूटी है, बहुत अच्छे पैकेजिंग में ये आया हुआ है। बस इसको जो है आपको अभी 2-4 दिन आने के बाद अगर मिट्टी इस तरीके से है तो आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, 2-4 दिन आप दूसरे पेड़ पौधों के साथ जो है रखिए दूसरे पॉट में जहाँ पेड़ लगे हुए हैं पौधे थोड़े से बड़े साइज के, तो उन्हीं के साथ उन्हीं के शेड में आप इसको रखिए, और 2 दिन रखने के बाद फिर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जो रिपोर्टिंग का तरीका रहेगा, मैंने आपको कहा कि आपको इसमें जो मिट्टी बनानी है, इस समय आपको बिल्कुल भी इसमें ज्यादा खाद वगैरह का यूज नहीं करना है, केवल वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास हो तो 10% वर्मी कंपोस्ट का आप यूज कर सकते हैं, और अगर गोबर की खाद 1.5 से 2 साल पुरानी हो तभी आप उसका यूज करें 10%, अदरवाइज वो भी ना करें, केवल प्लेन मिट्टी में ही इसको लगा रहने दे। नॉर्मल जो आपके गार्डन सॉइल है या पुराने गमले की जो मिट्टी है तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ, नॉर्मल मिट्टी में चाहे तो आप 10 से 15% जो है रेता मिला दे और उसी में आप जो है इसको लगा दे, और शुरू में मैंने जैसा आपको कहा कि ये जैसे नीचे से इस तरीके से है तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको इसको जो है 6 इंच के पॉट में ही लगाना है, उससे बड़े पॉट में शुरुआत में ना लगाए। और थोड़े से अगर आप बड़े पौधे लेते हैं, अगर आप ट्रेन से मंगाते हैं तो उसमें आपको पौधे का साइज बड़ा मिल पाता है, तो उस तरह के पौधे को आप जो है 8 इंच या 10 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। बाकी इस तरीके से पौधे आपके पास बिल्कुल सेफ पहुंचेंगे, और इस तरह के पौधे का ही आपको जो है पेमेंट करना होगा। और अगर मान लीजिए इस तरह का जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है यहाँ से ही पौधा अगर टूटा हुआ आता है तो ऐसे पौधे का जो भी पेमेंट है वो मैं आपको वापस करूंगा। बस आपको यही करना है कि पैसे नर्सरी वालों को पेमेंट ना करके मुझे पेमेंट करने हैं। तो दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं नर्सरी का एड्रेस तो आपको दे ही दूंगा, साथ ही जो नंबर है वो पूरे के पूरे स्क्रीन पर आपको मिल रहा होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो इस तरीके के पौधे अगर आप मंगाना चाहते हैं, केवल बेर के ही नहीं बल्कि जितने भी तरह के फ्रूट है और ग्राफ्टेड जो वैरायटी है जिसको कि आप पॉट में लगा सकते हैं, अपने घर के जो छत है वहां पर भी आप लगा सकते हैं, तो इस तरह के पौधे अगर आपको चाहिए तो इस नर्सरी से आप संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों कई लोग जो है ये पूछते हैं कि इसकी मिट्टी को हमें हटाना है या नहीं हटाना है। तो आपको इसके मिट्टी को बिल्कुल नहीं हटाना है, मिट्टी बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। ये जितने भी पॉलिथीन है इसको केवल आपको ब्लेड की हेल्प से ही हटाना है और उसके बाद आपको इसको आराम से केवल रिपोर्ट कर देना है। और खास तौर से आप ड्रेनेज होल का पॉट में ध्यान रखें, नीचे से जो है कम से कम 8-10 होल होना चाहिए, या तो जो नर्सरी पॉट होती है जिसमें कि काफी सारे होल्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो उस तरह के जो पॉट है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल भी इसमें पानी जमने ना दे, क्योंकि पानी अगर जमेगा तभी जो पौधे हैं वो खराब होते हैं, अदरवाइज खराब नहीं होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।